चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन को। डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप जब भी स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ें तो सीधे आप स्लोप पर जाएं, बट ऐसा ना कर कर हम लोग एक डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से, और डेफिनेशन सीखते हैं, समझते हैं रियल में। अगर डेफिनेशन आपने समझी तो आगे जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों बोला गया। तो देखिए, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्शाए गए, तो दीज आर द कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइज ऑन इट। प्रॉपर एक बार आप जो हमने पढ़ा है एक बार आप डेफिनेशन खुद से जरूर पढ़ लें, फिर इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कर्व इन तीनों में स्ट्रेट लाइन बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, और उस कर्व को स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जाता है, ये सारी बातें समझ में आएंगी। एक कर्व हमने सपोज यहाँ पर ले लिया, उस कर्व पर उसने कहा कि सारे जो ये कर्व पर ये सारे पॉइंट्स ही हैं, इन पॉइंट्स की वजह से, जैसे देखिए यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, तो आपके सामने ये पॉइंट्स ना दिख के कुछ और दिख रहा होगा। इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो आपको विजिबल कुछ और होगा। तो जो भी कर्व है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स ही बेसिक एलिमेंट है, उसी को जब कॉम्बिनेशन में और एक साथ इकट्ठे कॉन्टिन्यूस लेंगे तो कर्व बनेंगे, उनमें से स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कॉनिक सेक्शंस, इन सबको हम लोग इत्मीनान से अच्छे तरीके से देखेंगे। तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, सपोज मानते हैं कि लाइन है, सपोज हमने क्या माना लाइन है, इसमें कोई भी सारे पॉइंट्स में से कोई दो पॉइंट लेते हैं, हमने दो पॉइंट को लिया और उसको हमने क्या किया ज्वाइनिंग, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो क्या ये सेगमेंट उस कर्व पर है? नहीं है। यहाँ पर कोई दो पॉइंट ये ज्वाइन किया, ये सेगमेंट इस कर्व पर है? नहीं है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं, दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पर कोई दो एवरी पॉइंट में से कोई दो पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन किया, तो ये जो ज्वाइन करने वाली कर्व आया, स्ट्रेट लाइन आया, ये क्या इस पर है? है। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, यानी कि उस कर्व पर सारे बिंदुओं पॉइंट्स में से कोई दो पॉइंट उठाइए, आप उनको ज्वाइन करिए, तो जो ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है अगर वो कर्व पर ही रहता है तो वो स्ट्रेट लाइन है, अगर उसने कर्व को छोड़ दिया तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ दर्शाया गया कि दोनों कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वाला क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कोई लीनियर कर्व या कोई लाइन, जैसे यहाँ पर लीनियर कर्व है, लीनियर इन द सेंस जो भी एक्स और वाई जो वेरिएबल लिए गए हैं इनकी डिग्री वन ली गई है, और इनको सम टाइम्स मतलब ए टाइम्स और बी टाइम्स करके जोड़ के, कॉन्स्टेंट जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसको जीरो कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। तो बोला गया है, ऊपर बोला गया, आप स्टेटमेंट लिखे देख पढ़ सकते हैं कि सारी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस एक्स और वाई में जो भी एक्सप्रेस की जाएंगी वो लीनियर इक्वेशंस होगी, और वो जब आप कर्व की फॉर्म में उनको प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन रिप्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ पॉइंट्स लिए हैं, अब उन पॉइंट्स को अगर रिलेट किया जाए इस एक्स को इस वाई से, इस एक्स को इस वाई से, आप देखेंगे यहाँ वन है फिर यहाँ वन है, एक्स टू है तो यहाँ वाई टू है, यहाँ थ्री है वाई थ्री है, तो अगर देखें तो इनमें रिलेशन क्या हुआ, वाई बराबर एक्स, यानी एक्स और वाई बराबर है। इन सारे एक्स और वाई को अगर हमने प्लेन पर दर्शाया तो ये सब इस तरीके से, देखिए प्लेन पर दर्शाने में इस तरीके से इनको मिलाएंगे तो एक लीनियर कर्व दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक, ऐसे हमने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिए, अब इनका देखिए वन रखने पर थ्री आया, टू रखने पर फाइव आया, थ्री रखने पर सेवन आया, तो अगर इनके पैटर्न को देखें वन पे थ्री और टू पे फाइव, तो इसका जस्ट डबल करें फोर और प्लस वन फाइव, इसका जस्ट डबल करें टू प्लस वन थ्री, इसका जस्ट डबल करें सिक्स प्लस वन सेवन, तो एक हमने यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन लिया वाई बराबर टू एक्स प्लस वन। इसको भी अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स ग्राफिकली है तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, पॉइंट्स हमने दो तीन पॉइंट्स लिए हैं, वन कामा थ्री यहाँ पर आ जाएगा, टू कामा सेवन यहाँ, टू कामा फाइव यहाँ है, थ्री कामा सेवन, इनको अगर मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, तो जो भी लीनियर कर्व होंगे जो भी एक्स और वाई में एक्सप्रेस किए जाएंगे
इस इक्वेशन के द्वारा वो सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक बात और आती है कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या है। ये बात कंप्लीट हुई, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, कितने अननोन्स हैं, हाउ मैनी अननोन्स पूछा जाए, हाउ मैनी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में आता कि ये एक्स और वाई अननोन है। ठीक है, तो एक्स वाई नॉट अननोन्स, अननोन्स नहीं है, करेंट कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखें करेंट कोऑर्डिनेट्स है। करेंट कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। करेंट कोऑर्डिनेट का मतलब कि ये लाइन है, तो देखो एक टाइम पर लाइन 0.1 0.0 से पास हुई, तो करेंट कोऑर्डिनेट 0.0 है, मतलब 0.0 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, 0.0 रखने में सेटिस्फाइड, 1.1 भी है, 2.2 है, तो जो पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स का सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो लाइन इनसे होकर गुजर रही है, ये करेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इस पर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक्स वाई वो सारे अननोन्स नहीं होंगे, करेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ से लाइन पास होगी। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे देखा जाए ए बी सी अननोन्स है, मगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन सी एक्स प्लस बी अपॉन सी वाई प्लस सी अपॉन सी बराबर जीरो। रीराइट करें, इसको कैपिटल ए मान लें, तो कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी वाई और प्लस बराबर जीरो। तो सारी लीनियर इक्वेशंस को जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई ही अननोन है, यही अननोन है, यानी दो ही अननोन है। इन दो को, टू अननोन्स को निकालने के लिए आपको कितनी कंडीशन चाहिए, जितने अननोन्स उतनी कंडीशंस, यानी कि दो कंडीशंस। तो अब लाइन पे आगे जिस फॉर्म में भी लाइन हम निकालेंगे वहां पर दो ही कंडीशंस, मिनिमम कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पता हो एक और स्लोप, टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट पता हो, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, तो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता हो, और आगे फॉर्म्स हैं। तो जितने भी फॉर्म्स होंगे सारे फॉर्म्स में दो ही कंडीशंस आपको रिक्वायरमेंट होगी, सारी इक्वेशंस। तो दो मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं क्योंकि दो अननोन्स हैं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर जब ढूंढते हैं तो जितने अननोन्स होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन की डिग्री जो ऑर्डर होगा वो टू होगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरुआती दौर पर जो एक हमारा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था वो हमने आपको दिया। आगे स्ट्रेट लाइन्स हर फॉर्म में आपको धीमे धीमे बताएंगे। स्ट्रेट लाइन एक डेप्थ वाला चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन में आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बहुत ही आराम से पेशेंसली आपको आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेट सेक्शंस को ना ही मैं कोई हड़बड़ाहट से और ना ही ये देख रहा हूँ कि कितने लोग इसको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कोऑर्डिनेट एक निरंतर धीमे धीमे आराम से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, वो इस एरिया पे आपको परफेक्टनेस चाहिए तभी आप इसका रिजल्ट आउटकम्स देख पाएंगे। तो इस वाले सेक्शन को मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, जो लोग लास्ट तक पेशेंस रखे हुए हैं वही पढ़ें, उनको एडवाइस कर रहे हैं। बाकी वो लोग ना पढ़ें जो आज एक बार देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बाकी और टॉपिक्स हम वहाँ पर डाल रहे हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, आप उनको देखिए, उनको आपके समझिए। और मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कभी रहती नहीं है कि आपसे मैं बोलूँ कि आप जबरदस्ती पढ़िए, मन ना हो ना पढ़िए, मन नहीं है आप सब्सक्राइब करिए, मन नहीं है लाइक करिए, मन नहीं है तो आप इस चैनल को देखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, मौला के सेटिस्फैक्शन के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो उनके मैसेज उनकी लैंग्वेज वो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, मगर जब वो लिखते हैं तो लगता है कि वो इंग्लिश में कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो सामने वाला टीचर हिंदी में अपनी बात को समझ नहीं पाएगा, तो मैं उनकी जो उस फीलिंग्स को समय समझता जब महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि उनको वाकई में ज़रूरत है। तो सारे स्टूडेंट्स चाहे वो तमिल में हो जैसे भी हो, अपनी बात को अगर जिस भाषा में कंफर्टेबल है, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, अपने महसूस को दें, जिस भाषा में आप अपने दर्द को एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती है, हम आपको समझ जाते हैं कि आपको ये रिक्वायरमेंट है। उन सारे बच्चों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, कितने व्यूज़ आ रहे हैं क्या हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है, इस टाइप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दो या चार कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लगातार प्रयास करते रहें। इसी मैसेज के साथ आज यही वाइंड अप करते हैं, मैसेज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट मैं उन बच्चों के लिए
कंसर्न हूँ, मोटिवेशंस के लिए कंसर्न हूँ, जो कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।